वापस लो, जिंदाबाद जिंदाबाद, वापस लो, वापस लो, वापस लो, जिंदाबाद जिंदाबाद, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो दोस्तों यहाँ पे अंकल जी है जिनसे हम बात करते हैं और ये कहाँ से आ रहे हैं और ये ड्राइवर है जो कि कहाँ के हैं और अभी क्या लफड़ा चल रहा है और क्या बोलना चाहेंगे, तो दोस्तों बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, आपका नाम क्या अंकल जी? जाकिर हुसैन शेख। आप कहाँ से हो? केकड़ी से। केकड़ी से हो? तो अंकल जी अभी जैसे मोदी सरकार ने ये नियम निकाला कि 10 साल की ड्राइवर को सजा होगी और 7 लाख रुपए कुछ देने पड़ेंगे, तो आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, वो तो नियम तो गलत है, आप भी जानते हो कि 10,000-15,000 रुपए कमाने वाला ड्राइवर अगर 10 साल की सजा काटेगा उसका परिवार पीछे क्या खाएगा? पहली बात है ये। और मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा तेज बोलो, मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये नियम निकालिए, उसको वापस ले लो, वरना जो ड्राइवर है ना हड़ताल पे बैठे हैं वो बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे ना। तो ये अभी सुनना है कि 3 तारीख तक बंद रहेगा या फिर ज्यादा? देखो हमारे पास छोटी गाड़ी है, मेरी छोटी गाड़ी, मेरा छोटी गाड़ी, लेकिन मैं फंसा हुआ नसीराबाद हाईवे पे। अच्छा। नसीराबाद हाईवे से मैं 1 घंटे से क्रॉस करके फिर वापस होटल में आके अभी बैठा हूँ। ना खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ पे, ना कुछ नहीं है। ड्राइवर परेशान होगा, लेकिन परेशान होगा, लेकिन ये नियम मोदी जी को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो 2024 के अंदर हम बता देंगे क्या होता है। तो 2024 के अंदर मोदी को वोट नहीं दोगे या नहीं देंगे? नहीं दोगे, नहीं देंगे। सभी ड्राइवर भाई या उनके परिवार वाले भी? हाँ, नहीं देंगे, कोई भी नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो जैसे बताया जा रहा है कि मोदी जी ने अभी राम मंदिर बनवाया, तो उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? राम मंदिर बनवाया वो अच्छी बात है, अच्छी बात, मानते इसमें सहमत है, राम मंदिर बनाया हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो नियम निकला ना वो बहुत गलत नियम निकला है। लेकिन ये अभी जैसे लोकसभा चुनाव का अभी टाइम है और मोदी जी ने ये निकाला, बहुत गलत है या गलत है? दोस्तों अभी इतनी 2 मिनट के अंदर एक भी यहाँ से ट्रक नहीं निकला है और ये पूरा हाईवे बंद पड़ा है, ये देखो ना, पूरी गाड़ियाँ लगा रखी है ना यहाँ पे, देखो ये होटल में सारी गाड़ियाँ लग रखी है, ये देख सकते हो, और ये अंकल जी यहाँ पे लगा रखी है और ये ट्रक उस तरफ जाके रुक रहा है और इस वाले हाईवे रुकी हुई है, देख लो ना आप, कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है। तो अंकल जी अगर वापस नरेंद्र मोदी नहीं लिया तो फिर क्या होगा? लेना पड़ेगा मोदी जी को, लेना पड़ेगा है ना, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, नहीं तो 3 तारीख हड़ताल पे है तो है, हम भी है, कोई बात नहीं। तो आपने हमारे परिवार से हम मिलने के लिए जा रहे थे आज, कोई बात नहीं, 3 दिन बाद चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियम लेना पड़ेगा, नहीं तो 2024 के चुनाव का रिजल्ट देख लेना आप मोदी जी। तो आप मोदी जी को पिछली बार वोट दिया था या किसको दिया था? देखो हम वोट दिया या नहीं दिया वो बात की बात है, अच्छा, अभी 2024 में अगर ये नियम नहीं लिया तो नहीं देंगे, कोई भी ड्राइवर भाई नहीं देगा। तो दोस्तों ड्राइवर सभी भाइयों की यही डिमांड है कि वापस ले ले ये नियम, नहीं तो वापस लेना पड़ेगा मोदी जी को, मोदी जी को इस चुनाव में हारना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।